मध्य प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई जैसा कार्यक्रम शुरुआत की। इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि पीड़ित लोग एवं आशा लोग जो परेशान हैं उनको सहायता मिल सके, इसलिए सभी विभागों के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम मंगलवार को शुरू किया गया। इसमें लोग आकर अपने आवेदन देते हैं, साथ ही अपनी पीड़ा भी अधिकारियों के सामने बयां करते हैं। इस मंगलवार को भी यहाँ पर बहुत सारे आवेदक अपने आवेदन लेकर आए, जिस पर अधिकारियों द्वारा सुनवाई की गई। ऐसे ही कुछ आवेदन यहाँ पर आते हैं, लेकिन सुनवाई काफ़ी कम होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। समस्त ग्रामवासी नैलखेड़ी तहसील मधुसंग्राम वार्ड क्रमांक 11 के जिला के निवासी आज जन सुनवाई में पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामवासियों को आवास देने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। हाँ बाबूजी, हमारे नरखेड़ा गांव में कुटी नहीं आई एक भी, और हम तीन तीन बेर की पाला दे चुके हैं पर हमारी सुनाई नहीं है। तो आप लोग कितने घर हैं वहाँ पर? 50-60 घर हो गए। 50-60 एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अब आप लोग जाते हैं कुटरी के लिए तो क्या क्या देते हैं आप लोग? पाले दे दे, साफ पाले दे दे, और कुटी के दे कुटी आ रही नहीं, दे कुटी नहीं दे। 20 साल की और हमसे हम लोग कह रही है आप कोई कुटी मुटी नहीं है तुम्हारे। 20 साल की कह रहे तुम्हारी पाला नीचे दब गई, ऊपर पेलक पालन का काम हो रही है। और 20 साल ने पूरी बनवाले साहब, और 20 साल के विधवा होकर बैठे हम। जब से छोटे छोटे आप लोग क्या काम करते हैं? हम मजूरी करते हैं सर, मजूरी करते हैं। मजूरी नहीं है गांव में, कहीं काम करे बैठे मोड़ा मोड़ी नहीं खवा के हमें कहीं कहीं करे। पट्टा पट्टी लावा 10-10 हजार का पट्टा पट्टी चढ़ा चढ़ा कर बलो। 20 साल सरपंच आ रही जब हमार सब बोलो हार खा के हमें आना पड़ी सा पट्टा पट्टी चढ़ा सर। हमारे कोई भाई नहीं आ रहे, पेट भरे मजदूर लोग हम कहीं करे। और बिल्कुल मजदूर अगे तुम जान। अभी आपने ज्ञापन दिया है कुछ कब बोला? और सर मेरे पति घर बैठे हाथ पान सब में होता है, मैं कुन मुड़मुड़ी नहीं पालू की मैं गाय में रहू। माने विकलांग से बैठे ने कोई सुने ना कछु सर, और देख ले ने कछु घर जंगा है ना कहीं है, और बालक कुमारे मुड़मुड़ी आगे कहीं करके कबा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि उन वो गरीबों को कुटीर मुहैया करा रहे हैं और लगातार ये कार्य बढ़ रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई जगह कई क्षेत्रों में नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर ग्रामीण लोग कुटीर के लिए त्रस्ते हुए नजर आते हैं और लगातार अपने अधिकारियों को कुटीर पाने के लिए ज्ञापन देने पहुँचते हैं। मेरे परेशानी ज्यादा है बाबूजी, घर पंग होके बैठे है, मेरे बच्चा बच्ची नहीं पालू कि मैं मजदूरी करूं कहीं करूं। सर मैं 20 साल की विधवा होकर बैठी, दो लड़का एक लड़की की बहुत मुसीबत पड़ रही मुझे। सर मैं बार बार सी काम करती हूँ, गांव में आन का नाम चलाती हूँ, मैं बाहर से कुमा गाँव में आके गाती हूँ, कोई मजदूरी नहीं है। नहीं विधवा ही है साहब, सर मैं तो थैंक यू कर कुटी नहीं आ रही, मैं सिर्फ मेहनत मजदूरी कर रहा है, गले में जी हो रहा है, क्या करें, पैसे हो तो इलाज करा लें। मैं विधवा हो और 4 लड़का है, 2 लड़की है, उनका पेट कैसे भरूं मैं, कोई खेती नहीं कोई कुछ नहीं। बाबूजी मेरी विधवा हूँ मैं 3 साल से, मेरे 2 बच्चा-बच्ची है, उसको कैसे पेट भरूँ, कुछ नहीं है मेरे पास में। बाबू जी हमें रेवा की परेशानी की बहुत जोर से, हमें कुटी चाहिए, मतलब हमारे लड़का लड़की रेवे टिका नहीं, चौमास हम पानी चौक हम के करें। हाँ कुटी चाह रही बाबू जी हमें भी, और परेशान पड़ रही बहुत जोर से। हाँ कुटी चाह रही बाबू जी हमें, परेशान आ रही बहुत जोर, कहाँ तक टपरियन में रहे हम। कुटी चाह रही बाबू जी अभी तो पट्टा पट्टी चढ़ा चढ़ा के देखो तुम तो झोंपड़ी। बाबू से रेवा घर नहीं है, 3 लड़का-लड़की का हुकूमत पर रुक नहीं। बता दें कि कुछ ऐसी महिला भी इसमें है, विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन पेंशन सिर्फ 600 रुपये मिलती है, वो चाहती हैं कि उनको 1000 रुपये पेंशन कर दिया जाए। जिस प्रकार लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं।